हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार दिलीप पाडवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमको फिर से एक बार चार रस्ता गाँव से ही कॉल आया था। तो दोस्तों, फाइनली हम तो यहाँ पर पहुँच ही चुके हैं, तो आप देख ही सकते हो। और दोस्तों, इन लकड़ियों में ही सांप दिखाई गया था, तो दोस्तों ये सभी लकड़ियाँ हमको अभी हटानी पड़ेगी दोस्तों, तभी हम उस सांप को रेस्क्यू कर सकते। तो आगे देखो दोस्तों क्या होता है। तो देखो दोस्तों, हम जो सांपों को रेस्क्यू करने वाले हैं दोस्तों, हम भी बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। और लोगों को ऐसा समझता है कि दोस्तों हम ये सब पैसों के लिए करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमको कुछ सरकार की तरफ से कुछ पैसे नहीं मिलते, लेकिन दोस्तों हमको जो ये बेजुबानों को बचाने का जो काम करते हैं दोस्तों, हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम ये सभी काम करते हैं दोस्तों। तो आप भी कभी मत मारना दोस्तों ऐसे बेजुबानों को। तो फाइनली दोस्तों, बहुत ही मेहनत के बाद हमको तो सांप दिखाया गया है दोस्तों। तो इस सांप को तो हमारा दिलीप भाई ने रेस्क्यू कर लिया है दोस्तों। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं दोस्तों, और इस सांप के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, ये इंडियन रेड स्नैक है, और इसको हमारे भारत में धामन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये बिना जहरीला सांप होता है, और दोस्तों ये सांप किसी को भी काट ले तो दोस्तों बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, क्योंकि सांप में बिल्कुल भी जहर नहीं होता है दोस्तों। तो आपको अगर कोई भी सांप दिखे तो आप हमें या आपके गाँव के पास कोई भी सांपों को रेस्क्यू करने वाला होगा दोस्तों, आप उसे कॉल कर सकते हो, वो आकर ऐसे बेजुबानों को बच सके, वो भी हमारे तरह जंगल में रिलीज कर देगा दोस्तों, जिसे अक्सर हम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस सांप को क्या करते हैं, और बहुत दूर जंगल में जाकर इस सांप को भी हम रिलीज कर देंगे दोस्तों। तो हमने जो जिस धामन सांप को आज शाम को चारस्ता गांव से रेस्क्यू करके लाए थे, उस धामन सांप को हम यहाँ जंगल में ले आकर रिलीज कर रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो